खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सेवन स्टार होटल में चोर अंकल, शोरूम में सबसे बड़ा शातिर और गली में खतरनाक चालबाज, आंख बंद माल गायब, चोरी के तीन चैंपियन। उनके चेहरे से शराफत टपकती है, वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उनके चेहरे और बातों पर जिसने भी यकीन किया वो धोखा खा गया। ऐसा धोखा कि आपकी आंखों को यकीन भी नहीं होगा। जी हां, सनसनी में आज सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। उस वीडियो में कैद है एक शातिर शख्स, एक ऐसा शख्स जो आपकी आंखों के सामने से माल गायब कर देगा और आप देखकर भी उसे नहीं देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं सेवन स्टार होटल में चोरी के सबसे बड़े चैंपियन से। यह है मुंबई का सात सितारा होटल, ताजमहल पैलेस होटल। इस शानदार होटल में हर रोज देश विदेश से कई मेहमान आते हैं। कई मशहूर हस्तियों की पसंदीदा जगह है ताजमहल पैलेस होटल, और इसी होटल में आया था शातिरों का शातिर, चोरों का उस्ताद, आज का मिस्टर नटवरलाल। इस वीडियो को देखिए, वीडियो में कैद इस शख्स को देखिए। बुजुर्ग दिखने वाला ये शख्स मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल के अंदर खड़ा है, ठीक उस जगह खड़ा है जहां होटल के कैशियर का काउंटर है। लेकिन ये शख्स किस तरह कैशियर के सामने ही हजारों के नोट गायब कर देता है, वो देखकर आप भी धोखा खा जाएंगे। 1 मिनट 43 सेकंड के इस वीडियो में जो तस्वीरें दर्ज हैं, वो आप देखकर भी देख नहीं पाएंगे। यकीन नहीं होता तो सबसे पहले कैमरे में कैद पूरी कहानी देखिए। दरअसल पिछले दिनों ये बुजुर्ग शख्स मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल में आया था। वो बेझिझक होटल के कैशियर काउंटर के पास पहुंचा। इस शख्स ने महिला कैशियर से कहा कि उसे चेंज रुपए चाहिए, यानी बड़े नोट के छुट्टे या खुले पैसे लेने आया था। लेकिन महिला कैशियर ने खुले पैसे देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये शख्स होटल का मेहमान नहीं था। महिला कैशियर के मना करने के बाद इस शख्स ने पैंतरा बदला और फिर ये महिला को अपनी बातों से गुमराह करने लगा। इसने बताया कि वो अरब देश का नागरिक है और वो देखना चाहता है कि भारत में चलने वाले 2000 रुपए के नोट कैसे दिखते हैं। इस शख्स की बातों को सुनकर महिला कैशियर थोड़ी हैरान हुई, लेकिन वो इस बुजुर्ग को विदेशी समझकर उसे 2000 रुपए के नोट दिखाने लगी। महिला कैशियर इस बुजुर्ग शख्स को 2000 रुपए के नोट दिखा रही थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि इस शख्स के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। इसी दौरान महिला कैशियर ने 2000 के नोटों की एक गड्डी काउंटर से निकाली। ये देखकर बुजुर्ग शख्स ने लपक कर नोट देखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। महिला कैशियर उसे मना नहीं कर पाई, उसने नोटों की गड्डी बुजुर्ग शख्स के हाथों में दे दी और अगले ही पल नोटों की गड्डी वापस भी ले ली। लेकिन इस पल उसकी नजरें धोखा खा गईं। उसकी आंखों के सामने ही नोटों की गड्डी से इस शख्स ने 2000 के 23 नोट गायब कर दिए और इस महिला को पता तक नहीं चला। जी हां, इस तस्वीर को आप एक बार फिर से देखिए और ये बताइए कि इस शख्स ने नोटों की गड्डी से कब और कैसे 2000 के 23 नोट गायब कर दिए। सब कुछ
एक ही पल में हुआ। उस शख्स ने किसी जादूगर की तरह 2000 के नोटों की गड्डी से पूरे 23 नोट गायब कर दिए, यानी उस शख्स ने आंखों के सामने ही 46,000 रुपए हाथ से गायब कर दिए। लेकिन महिला कैशियर की नजरें उसे पकड़ नहीं पाई। आखिर यह कैसी हाथ की सफाई थी, यह आप एक बार फिर से देखिए। इस तस्वीर को देखकर आप भी इस पहेली में उलझे होंगे कि आखिर इस शख्स ने ताज होटल की महिला कैशियर को कैसे झांसा दे दिया और कैसे उसकी आंखों के सामने 46,000 रुपए के नोट गायब कर दिए। ये समझने के लिए हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं वो तस्वीर जब आंखों का धोखा हुआ। सीसीटीवी कैमरे में कैद वीडियो के इस खास हिस्से को देखिए। ये वो पल है जब इस शख्स ने आगे झुककर महिला कैशियर के हाथ से 2000 के नोटों की गड्डी ली थी। महिला कैशियर की नजरें नोटों पर टिकी थी और ये शख्स नोटों को ताश के पत्तों की तरह फेंटने लगा। महिला ये नहीं समझ पाई कि ये शख्स 2000 के नोटों को ताश के पत्तों की तरह ऊपर नीचे क्यों कर रहा है और न ही वो इस शख्स के हाथ की सफाई को देख पाई। दरअसल ये किसी जादूगर के हाथ की सफाई जैसा ही एक बड़ा धोखा था। आप भी इस पल को गौर से देखिए। ये देखिए, जब ये शख्स नोटों की गड्डी को ताश की तरह फेंट रहा था, उसी दौरान उसने गड्डी के नीचे से कई नोटों को उंगलियों से मोड़ दिया और जब इसने नोटों की गड्डी महिला कैशियर को वापस सौंपी तो मुड़े हुए नोटों को इसने बड़ी ही सफाई से अपनी उसी हथेली में छुपा लिया। महिला कैशियर की आंखें भी ये चालाकी पकड़ नहीं पाई और महिला कैशियर ने जैसे ही नोटों की गड्डी को वापस लिया, उसी पल इस शख्स ने अपनी हथेली में छुपाए नोटों को जेब में रख लिया। एक बार फिर से देखिए इस शातिर शख्स की जादूगरी। इस शख्स के जाने के बाद महिला कैशियर ने जब नोटों की गिनती की तो पता चला 2000 के 23 नोट यानी कि 46,000 रुपए गायब हैं। ये रुपए कैसे गायब हुए, ये जानने के लिए होटल प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और तब ये तस्वीर सामने आई। अब होटल प्रशासन ने मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में इस शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन खुद को विदेशी नागरिक बताने वाला चोरों का ये उस्ताद कहां छुपा है, ये कौन है, ये अब तक पता नहीं चला है। सनसनी के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। सेवन स्टार होटल में नटवर लाल की कहानी के बाद अब हम आपको दिखाते हैं चोरों के उस उस्ताद की कहानी जो देश के कई शहरों में दर्जनों ज्वेलरी शोरूम को चूना लगा चुका था। 7 राज्यों की पुलिस उसकी तलाश में थी और अब उसकी गिरफ्तारी के बाद सामने आई है उसके गुनाह की चौंकाने वाली तस्वीरें। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, चौथी तस्वीर। चोरी की इन सारी वारदात में एक ही शख्स दिखाई दे रहा है, एक ऐसा चेहरा जिसकी हाथ की सफाई के सामने चौकस निगाहें भी धोखा खा जाती हैं। एक ऐसा शख्स जो एक ही पल में ज्वेलरी शोरूम से लाखों का माल गायब कर देता है। एक ऐसा शातिर जिसने देश के कई शहरों में कई ज्वेलरी शोरूम को चूना लगाया है। चोरों का ऐसा सरगना जिसे दिल्ली, राजस्थान, यूपी समेत 7 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही है और कई दिनों की तहकीकात के बाद ये मुंबई से सटे ठाणे की क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा है। नाम है गुलाब शेख। ये शख्स कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ा, ये बताने से पहले आप चोरों के उस्ताद की हाथों की सफाई देखिए। इस तस्वीर में देखिए गुलाम शेख नाम का ये शख्स ज्वेलरी शोरूम में महिला सेल्समैन के सामने गहने देख रहा है। इससे पहले कि सौदा पक्का हो पाता, इस शख्स ने रुमाल वाले बाएं हाथ को आगे बढ़ाया और पलक झपकते ही बॉक्स में रखी ज्वेलरी रुमाल में छुपा ली। इससे पहले कि महिला दुकानदार को कुछ भनक लगती, इस शख्स ने रुमाल में छुपाए जेवरात को अपनी जेब में रख लिया और चलता बना।
महिला दुकानदार ने जब बाद में ज्वेलरी का बॉक्स खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि बॉक्स से एक ज्वेलरी गायब थी। ये जानकर शोरूम के स्टाफ वाले बाहर उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक वो शख्स गायब हो चुका था। और अब इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में वही गुलाम शेख नाम का शख्स टोपी पहनकर एक ज्वेलरी शॉप के अंदर घुसता है। वो दुकानदार से चांदी का एक सिक्का खरीदता है और इसी दौरान उसने दुकान से सोने का एक सिक्का भी दिखाने के लिए कहा। यही नहीं, ये बिना किसी झिझक के काउंटर पर रखे ज्वेलरी कैश की तरफ झांक कर ये मुआयना कर लेता है कि अंदर कितना माल रखा है। और अब देखिए, इसने दुकानदार को खरीदे गए चांदी के सिक्के के पैसे भी दिए। इसके बाद उसने सिक्के की पूजा के बहाने ज्वेलरी बॉक्स को बाहर काउंटर पर रखवाया। और इसी दौरान एक ही पल में उसने ज्वेलरी बॉक्स में रखी ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। इस वीडियो को देखकर खुद दुकानदार ये बता रहा है कि कैसे उसे चूना लगा गया ये शख्स। गुलाम शेख नाम का ये शख्स इसी तरह देश के कई राज्यों में कई ज्वेलरी शॉप पर चोरी को अंजाम दे चुका है। पुलिस की छानबीन में ये बात सामने आई है कि चोरी के धंधे में उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं। तेजा, उसके पास अपने को अभी तक 10 क्राइम रिकॉर्ड मिला है और ज्यादा भी हो सकते हैं। उसको दो लोग अंजाम देते थे, क्योंकि ये बाहर स्टेट में जाके ये सब करते थे। यहाँ पे ये चश्मे जो अपने स्पेक रहते थे उसका ये व्यापार करते थे, ये रस्ते पे जो स्पेक बेचते हैं उस तरह का ये बिजनेस करते थे। ठाणे पुलिस और दूसरे राज्यों की पुलिस कई दिनों से गुलाम शेख की तलाश कर रही थी और आखिरकार ये अपने एक साथी के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। मुंबई के घाटकोपर एरिया में इन्फॉर्मेशन मिले थी कुछ आरोपी वहां पे रुके हुए हैं, तो हमने वहाँ के जो DCP है अभिषेक साहब, उनके साथ एक ऑपरेशन फाइनल किया और उसके बाद हमने वहाँ पे एक कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। 7 लोग हमको सस्पेक्ट मिले थे, उसमें 5 लोगों के ऊपर तरह तरह के गुने थे। उसमें 2 बहुत ही सस्पेक्ट हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, नवी दिल्ली ऐसे जगह पे उन्होंने चोरी को अंजाम दिया था। दिन में शॉप ऐसा हेरते थे जहाँ पे बहुत कम लोग रहते थे और एक आदमी, एक जो ओनर था उसके साथ में गप्पे मारता था और दूसरा चोरी को अंजाम देता था। गिरफ्त में आए चोरों के उस्ताद गुलाम शेख से पुलिस ये जानने की कोशिश में है कि इसने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है और चोरी का माल इसने कहाँ बेचा है। सनसनी के लिए गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। 7-स्टार होटल में चोर अंकल। शोरूम में सबसे बड़ा शातिर। और गली में खतरनाक चालबाज। आंख बंद, माल गायब। चोरी के 3 चैंपियन। रात के अंधेरे में वो चोरी करते हैं और दिन के उजाले में वो घूमते रहते हैं शहर की गलियों में, और जैसे ही कोई शिकार नजर आता है वो चोर बन जाते हैं लुटेरे। वो शिकार की तलाश में था, वो गली में घूम रहा था और फिर अचानक जो कुछ हुआ वो पूरी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। चंद सेकंड में जो कुछ हुआ वो देखकर आप भी सकते में होंगे। ये चौंकाने वाली तस्वीर यूपी के बुलंदशहर की है, जहां संजय गुप्ता नाम के एक बुजुर्ग बिजनेसमैन अपने घर से जा रहे थे, लेकिन दिन के उजाले में शहर की गलियों में उनका सामना हो गया 2 चालबाज झपटमारों से।
गली में घूम रहे इन दो युवकों को देखी। ये मौके की ताक में है। इसी दौरान उन्होंने बुजुर्ग संजय गुप्ता को गली में देखा और जैसे ही संजय गुप्ता ने बात करने के लिए अपना मोबाइल फोन जेब से निकाला, एक युवक ने उन्हें धक्का देकर मोबाइल फोन झपट लिया। संजय गुप्ता ने उसका पीछा करने की कोशिश की लेकिन वो गिर पड़े। मैं सामने गली में से आ रहा था, दुकान के पास ही बिल्कुल गली है, उसमें गया था मैं काम से, तो उधर से मैं लौट रहा था तो इधर से एक लड़का आया और उसने धक्का देके मेरे से मोबाइल छीन लिया और भाग गया। मैं उसको पीछा करने की कोशिश करी तो मैं गिर गया और काफ़ी दूर तक मैंने उसका पीछा करा लेकिन वो हाथ नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने पुलिस में रिपोर्ट करी और वो वीडियो क्लिप निकलवा के मैंने जो है ये सब व्हाट्सएप वगैरह पे डाली। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस झपटमार युवक को जल्द ही पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन इस तस्वीर ने शहर की कानून व्यवस्था की हकीकत को सामने ला दिया है। सनसनी के लिए बुलंदशहर से संदीप तायल की रिपोर्ट। सनसनी में अभी बस इतना ही। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।